इस धरती पर इंसानों ने जीवन यापन करने के लिए एक आर्टिफिशियल पावर का इंतजाम तो कर लिया है, और इस पावर का उत्पादन करने के लिए पृथ्वी की ही कोई ना कोई सोर्स का यूज किया है। और आप लोग को बता दो कि ये जो सोर्स है कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद में ख़त्म हो जाएंगे। परंतु गाइज आप लोग को बता दो कि अगर ये पावर सोर्स ख़त्म हो जाएगा तो इंसानों के साथ में क्या होगा। तो गाइज आज की जो मेरी वीडियो है वह नेचर के ऊपर है कि अगर इंसान नेचर को ख़त्म कर देता है तो हमारी पृथ्वी कैसी हो जाएगी, हमारी पृथ्वी इनके साथ क्या करेगी। तो चलिए गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग कुछ नया सीख लेते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि इंसान इस धरती पर सबसे तेज बुद्धिजीवी है, और उसको पता है कि कहीं ना कहीं वह नेचर के साथ में गलत कर रहा है, और उसको पता है कि इसका हमें परिणाम भुगतना पड़ेगा आगे चल करके। इसीलिए वह कुछ ना कुछ इसके साथ में ऐसा कुछ करता रहता है कि जैसे कि इसको नुकसान ना हो। और कहीं ना कहीं आप लोग को पता है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जो इंसान है वो भी बिल्कुल अपनी ही इच्छा को पूरी करने के लिए पृथ्वी को पूरी तरीके से तबाह कर देगा। जैसा कि आप लोग को पता है कि इंसान के जीवित रहने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से ही मिलता है, और इंसान अपनी प्रगति करते हुए इन पेड़ पौधों को काट करके ख़त्म करता जा रहा है। मैं गाइज आप लोग को बता दूं कि ऐसे ही चलता रहा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इस धरती से पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे और इंसानों को सांस लेने के लिए कोई भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और ऐसा आएगा कि एक दिन ये धरती पूरी तबाह हो जाएगी, यानी कि बीमारी के कारण सारे इंसान मर जाएंगे। और गाइज ये होने वाला ही है, आप लोग को आज नहीं तो 50 साल के बाद ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। गाइज धीरे धीरे ऑक्सीजन ये धरती से कम होती जा रही है। गाइज ये हमें पता नहीं है, परंतु गाइज अगर मैं आप लोग को बोलूँ कि अगर आप लोग पीछे जाएँ जो कि वैज्ञानिकों ने कुछ शोध करके हमें कई चीज़ें हमारे सामने आई हैं कि जैसे कि हमें ऐसे भी कुछ कंकाल मिले हैं जो कि उनकी आकृति बहुत ही बड़ी है, यानी कि पहले के समय जो इंसानी धरती पर रहते थे उनकी जो हाइट वगैरह है हमसे कहीं 10 गुना ज़्यादा लंबी होती थी, और हमसे कहीं ज़्यादा वो ताकतवर होते थे, और साथ में उनका जो दिमाग था वो भी बहुत ही कुछ ज़्यादा था। परंतु धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल कम होता गया, इंसान की जो बुद्धि भी कम होती गई, उसके हिसाब से इंसानों ने अपने आप को डेवलप कर लिया। परंतु गाइज आप लोग को ये भी बीच में मिला होगा, एक अगर आप लोग देखा जाए तो बीच बीच में हड़प्पा संस्कृति वगैरह मिली है, ये कहीं ना कहीं उसी पृथ्वी का एक प्रकोप है जिसके कारण नेचर ने इनके साथ ऐसा कुछ कर दिया कि सब कुछ तबाह कर दिया। तो गाइज मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो धरती है कहीं ना कहीं किसी अलग ही तरीके से इंसानों को ख़त्म कर देगी, और एट लास्ट में इंसान का कंकाल ही धरती पर बचेगा। तो गाइज हमें इसको बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर पेड़ पौधे रहेंगे तभी हम लोग इनके साथ में अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग को पता है बिना पेड़ पौधे के इस धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा घटती ही जा रही है, तो हमें इस धरती पर पेड़ लगाने चाहिए।